हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगा तक। माइल्ड पेन या किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट इज पार्ट ऑफ आर आसना प्रैक्टिस, बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ गुड पेन एंड व्हाट इज़ अ बैड पेन। किसी भी तरह का टियर इन द टिश्यू इज रियली अ बैड पेन बिकॉज योर बॉडी इज ऑलरेडी गिविंग यू साइंस, इट्स टेलिंग यू, ट्राइंग टू टेल यू समथिंग विद दैट अक्यूट पेन, दैट शूटिंग पेन, बट हम अपनी बॉडी की सुनते नहीं हैं और अपने आसना में पुश करते रहते हैं एंड दैट्स व्हेन इट गेट्स बैड। And at the same time, what is a good pain? Good pain is like any soreness in the muscle, which is like our body's internal response to the strengthening, to the healing. It's part of the healing process. That's why jo injury hamare tendons and ligaments mein hoti hai, and tendons and ligaments ko actually plastic tissue bhi kehte hain, and muscle ka jo tissue hai usko elastic tissue kehte hain. जिस तरह की हम योगा में बाइंडिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, उससे हमारे मसल्स में एक फ्रेश इन्फ्लक्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जिससे मसल टिश्यू बहुत जल्दी रिपेयर होता है एंड दैट इज़ व्हाट इज सराउंडिंग आवर बोन्स। सो लेट्स सी दिस पोस्चर कॉल्ड अर्धा पिंचा मयूरासना, ऑल्सो नोन एज दी डॉल्फिन पोज, एंड विद दिस पोस्चर वी बैक टू आवर लव फॉर इन्वर्जन्स। इस पोस्चर को बेसिकली हमें बहुत ही माइंडफुली प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये एक प्रिपरेटरी पोस्चर है, एक तरह से आपको इन्वर्जन के ऑलमोस्ट 50% बेनिफिट्स देता है। जो लोग शीर्ष आसना या जो लोग फुल इन्वर्जन्स नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, एंड एट द सेम टाइम ये आपके आर्म्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है टू टेक यू फर्दर टू अ लॉट ऑफ एडवांस आर्म बैलेंसेज एंड इन्वर्जन्स फॉर लेटर स्टेज। सो लेट्स सी हाउ वी गेट इनटू द पोस्चर ऑफ Ardha Pincha Mayurasana। आसना में आने के लिए आप एक वज्रासना से अपने लेफ्ट में इस तरह से टर्न हो जाएं एंड अपने टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे एंड मेक श्योर दैट योर रिस्ट आर डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर्स एंड योर नीज आर हिप विथ अपार्ट एंड टोज आर फेसिंग आउटवर्ड्स। मेक श्योर दैट योर बोथ द आर्म्स एंड बोथ दी लेग्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने शोल्डर्स को अंदर ऐसे सिंक नहीं करेंगे, कीप इट प्रोट्रैक्टेड, कीप इट रियली एक्सपैंडेड एंड एक्सटेंडेड, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट एंड योर स्टमक एब्डोमिनल्स टोटली टाइटेंड एंड बेली टक्ड टूवर्ड्स योर स्पाइन। आप अपने फोरआर्म्स को इस तरह से अपने सामने प्लेस करेंगे शोल्डर्स के नीचे टू चेक द डिस्टेंस, टू कीप द राइट अलाइनमेंट, और उसके बाद अपने फोरआर्म्स को इस तरह से प्लेस करेंगे अपने सामने विद योर फिंगर्स ओपन वाइड, देन स्लाइटली टेक योर नीज बैक इस तरह से एंड फील अ नाइस डीप स्ट्रेच इन योर आर्म्स, इन योर शोल्डर्स, रेज योर हिप्स हाई, फील द स्पाइन गेटिंग एलोंगेटेड। Stay in this for a couple of breaths. This is a nice puppy pose stretch that you're giving to your body. And if you're a beginner and new to practice, this is very good to try this out first before you get into the full posture of Ardha Pincha Mayurasana. Then slowly, when you feel prepared and you've warmed up your body for the full posture, bring your knees a little forward, return to your position and forearms pressing really tightly on the ground in front of you. Tuck your toes and raise your knees up like this. You can keep your toes lifted, straddle a bit, walk forward and try to place the entire heel on the ground. Now at this point, I really feel with the pressure coming on my forearms, my head over my heart and my heart over my pelvis, a nice alignment, a nice stretch coming all the way from my head till my tailbone. My shoulders are open, a lot of stretch on my ankles, my wrists, my forearms, my calves. Everything is active right now. The shoulders are open broad. Look forward, keep your gaze towards your nose. Breathe for 5 breaths, stay in the posture. Feel the blood coming actively towards your upper body, giving you a nice sense of alignment to take your body weight on your arms, the heaviness of the body coming towards your arms, towards your shoulders, and
to exit the posture, simply drop the knees down, toes outward, and rest in Balasana. एक तरह का note of caution है उन लोगों के लिए जिनको neck में या shoulder में recent injuries रही हैं. Please do not do this practice at home. If you like this video on Dolphin Pose, do give it a thumbs up by liking, sharing, and subscribing to Yoga Tak. Thank you.